कभी मोदी के पैर छू लेते हैं नीतीश कुमार, कभी मोदी के हाथ छूते हैं नीतीश कुमार। आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं वो किसी गंभीर बीमारी से तो नहीं जूझ रहे, क्योंकि अक्सर गंभीर नजर आने वाले नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे उन पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है। दरअसल चुनावी नतीजों के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद पुराने संसद भवन में पीएम मोदी ने एनडीए की एक बैठक बुलाई थी, जहां सीएम नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जेडीयू के नेता के तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने भी भाषण दिया और जैसे ही भाषण खत्म हुआ तुरंत पीएम मोदी के पास पहुँच कर उनके पैर छू लिए। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि नीतीश कुमार उम्र में भले ही नरेंद्र मोदी से कुछ ही छोटे हों, मगर राजनीतिक अनुभव के मामले में नीतीश मोदी से कहीं ज्यादा सीनियर हैं। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्या सोचकर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छू लिए। और अब 19 जून को पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने बिहार गए, तो इस दौरान मंच पर पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी बैठे थे, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पनगड़िया कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसे पीएम मोदी समेत तमाम मेहमान बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहे थे। किसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया और उनकी उंगलियों को बड़े गौर से देखने लगे। नीतीश की इस हरकत को देखकर एक बार तो खुद पीएम मोदी भी तंग रह गए। हालांकि कुछ ही देर बाद वो मुस्कुराते हुए सीएम नीतीश कुमार के सवालों का जवाब देते नजर आए। सरेआम मंच पर किसी बच्चे की तरह पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उनकी उंगलियां निहारते नजर आए सीएम नीतीश कुमार की ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिस पर पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या है? कुछ तो गंभीर मामला है। कभी मोदी जी का पैर छू लेते हैं, कभी हाथ छू कर देख रहे हैं। एक और पत्रकार शिवम यादव ने लिखा, नीतीश कुमार को कोई बीमारी है क्या? आजकल अचानक से अजीबोगरीब हरकत करते दिखते हैं। कभी 400 पार को 4000 पार बोलते दिखे, तो कहीं मोदी के पैर छूते आज हाथ पकड़कर पता नहीं क्या देख रहे थे। अभी दो दिन पहले अपने मंत्रियों के सिर लड़ा रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट की वकील और आरजेडी नेता अदिति कुमार ने लिखा, देखिए अचानक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का हाथ छू रहे हैं, कभी किसी का पैर छूते हैं। अब तो स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार को जरूर मानसिक समस्या है। अभी कुछ महीने पहले तक वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सुशील मोदी समेत सभी लोग उनकी मानसिक जांच की मांग करते थे। पिछले एक साल में नीतीश कुमार विचित्र और अजीब हरकतें कर रहे हैं। राजनीतिक और नौकरशाही के गलियारे में सभी को पता है कि उन्हें डिमेंशिया और अल्जाइमर संबंधित बीमारी है, जिसके इलाज के लिए वो सरकारी कार्य का बहाना बनाकर अप्रैल महीने में लंदन और स्कॉटलैंड गए थे। यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी नीतीश की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सूख कर पतले हो रहे हाथ पैर को गौर से देखा और उनके हाथ की उंगलियों को अपने हाथ में लेकर देखा और सवाल पूछे कि ऐसा क्या हो रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी जी के हाथ की उंगलियां अब बच्चों जैसी क्यों होती जा रही हैं। प्रभु ने स्वस्थ रखे। पीएम मोदी की उंगलियां देख रहे सीएम नीतीश कुमार की इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई उन्हें गंभीर बीमारी बता रहा है, तो कोई पूछ रहा है कि नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी नीतीश कुमार अपने ही दो मंत्रियों के सिर आपस में लड़ाते हुए नजर आए थे। तो वहीं कुछ ही दिनों पहले जब बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हुआ था, तो उस वक्त सीएम नीतीश कुमार पटना में रहकर भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। इतना ही नहीं, पिछले 16 सालों से हर साल 14 मई को अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार पटना के कक्कड़बाग स्थित प्रतिमा स्थल पर जाते रहे, लेकिन इस बार वो नहीं गए, जिसके बाद एक लाइन की सरकारी विज्ञप्ति जारी की गई कि उनकी तबीयत खराब है। यही वजह है कि समय समय पर उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करने की
मांग उठती रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए है कोई है। तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए यहाँ पर। तो हम लोग तो बचपन से ना घूमते थे जी, यह राजगीर का क्या महत्व है, सब पौराणिक जगह पर आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति सहित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरा कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का खूब आगे बढ़ाया जाए। देखिए हम लोग ये शुरू करवाए, आपको तो बता ही दिए हैं कि कौन कहे, और तब हम लोग उसको शुरू कराए। तब उसके बाद फिर केंद्र की, अब आपने खूब बढ़िया से इसको काम कराना शुरू किया, तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि इसको खूब आगे खूब बढ़ाइए। अब पहले जो लोग भी आते थे और जो बनाते थे उनको आप, तो उनको हम लोग पटना आते थे तब कहते थे, यहाँ आ करके भी बात होती थी, तो अब तो बहुत अच्छा बन गया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर, जो भी था पुराना नालंदा विश्वविद्यालय उसके तर्ज पर आसपास के गांवों को जोड़ा जाए। एक बात हम वही कहेंगे कि पहले तो आपको हम पहले करा दिए कि बहुत सारा गांव वहां पर था जहां पर आज होकर के आ गए, तो उससे बहुत सारा गांव उससे जुड़ा हुआ था। तो हम तो यही आग्रह चाहते ही, हम पहले ही आप लोगों को मालूम है, जो इसको जानने वाले लोग, हम तो शुरू से कह दिए, अब पता नहीं इसको मालूम है कि नहीं मालूम है, हम शुरू से कहते हैं, तो हम तो शुरू से कहते हैं कि सब जगह अगल बगल का जितना भी गांव वाला सब है, आज जिसका पौराणिक रिश्ता रहा, तो उस सब के साथ भी यहाँ के लोग जो पढ़ाते हैं वहां पर अगल बगल सब जगह राज्य सरकार मदद कर देगी, आपके जाने का रास्ता बना देगी, और वहां पर रहेगा, और वहां पर भी जा करके कभी कभी सुबह या कभी भी कुछ उन लोगों को उपदेश दीजिए, तो कितना बढ़िया लगेगा। ये पौराणिक जगह है तो उस सब भी जरा करा दीजिएगा जो हम लोग चाहते हैं। तो यही सब करते हुए आप सब लोग यहां पर करने जा रहे हैं, और बच्चे बच्चियों को भी तो चारों तरफ से खूब विश्वविद्यालय में शामिल करिए, सब चीज सीखेगा जानेगा। एक एक ही बड़ा ही पुराना चीज है, अब उसको बन रहा है तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये काम आप लोगों ने कर दिया है तो मैं तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खूब बढ़िया से ये काम करिए। और केंद्र सरकार तो ये कर ही रही है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को अगर लगे कि राज्य सरकार कुछ और मदद कर दे यहाँ पर कुछ करने के लिए, आपके विस्तार के लिए, आपको कुछ के लिए, हम लोग पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ के डीएम को भी हम लोग कहे रहते हैं, एक एक तरह से देखते रहिए इन लोगों को, किसी तरह की कोई जरूरत और रहे जानते रहे। आप प्रभारी बैठे हुए हैं, आप जो जिला के प्रभारी है तो आपको भी कहेंगे कि आ करके लोगों से पूछा करिएगा कि भाई इनको और ज्यादा राज्य सरकार से कुछ मदद करने की जरूरत है। तो सब लोगों को पूरे तौर पर, ये मामूली बात नहीं है, पहले भी विदेश से कितना लोग आते थे, आज भी कितना दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कितना खुशी की बात है। और राजगीर में कितने लोग हर आते हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा है। और आप आ गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बड़ी खुशी की बात है, और इसको खूब आगे बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी बात।